स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। माँ बाप सामने होकर भी 8 साल से तरस रही है देखने के लिए शावनी। विधाता का खेल भी निराला होता है। बचपना सखी सहेलियों के संग खेलने स्कूल जाने, माँ बाप का चेहरा निहारने, छोटे भाई बहनों को संवारने, जिंदगी और दुनिया की खूबसूरती को देखने, रंग बिरंगे सपने गुनने का सपना सबका होता है। मगर 8 साल से इन सब को तरसती शावनी नाइक आज भी अपने आंखों की रोशनी के इंतजार में है। कहते हैं जो जबान नहीं कह सकती वो आंखें कह जाती हैं। इन्हीं आंखों की कहानी उस मासूम शावनी की जबानी, उसकी फरियाद आज हम आपको सुना रहे हैं, जिसको देखकर आप सबको अपने दुख कम नजर आएंगे। क्योंकि 8 साल शावनी के माँ बाप सामने होकर भी अब तक बच्ची ने उनको नहीं देखा। जन्म से ही देखने से वंचित रही शावनी पल पल इन्हीं ख्यालों में होती होगी कि कोई तो मसीहा बनकर इसके अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाए। हरी ताबूत गली वार्ड नंबर 9 में बसने वाले उमेश नाइक एक मिठाई की दुकान में नौकरी करता है। 8 साल से शावनी के इलाज के लिए हर तरह का संघर्ष करके गरीबी के आगे हार चुका है। इस गरीब परिवार और 8 साल बच्ची के लिए कोई तो मसीहा बन के सामने आए, जिसका इंतजार वो आज भी कर रहे हैं। यही फरियाद बी न्यूज नेशन से भी कर रही है ये नन्ही परी। बी न्यूज नेशन भी इस बच्ची की मदद के लिए निवेदन करता है उन दानियों और आंखों के डॉक्टरों से, जो समाज में अपना योगदान देकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इन नंबरों पर संपर्क करके आप सुहानी नाई की काली जिंदगी में अगर रंग भरना चाहते हैं। जनगणमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविण पलवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। थैंक यू। ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾನೇಶ್ವರಿ ನೇಮಗೊಂಡ್ರಿ. ನಾ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವೇ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಬಿ ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗದು ಹೇಳಿದೀವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕಣ್ಣು ಬರಲಿ ಕಾಣಲೇ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت ہزاروں خوبصورتی دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے انسان کو دو آنکھیں ہونا ضروری ہیں. لیکن یہاں پر جو گلی ہے ہری تابوت گلی جسے ہم کہتے ہیں بیجاپور کی، جب ہم وہاں پر پہنچے تو ایک ایسے مجبور لاچار ماں باپ کو ہم نے دیکھا جو اپنی 8 سالہ بچی کی आँखों की रोशनी के लिए दर दर भटक रहे हैं. उमेश जो एक जो पेड़े की दुकान में मजदूरी करते हैं, छोटू लाल पेड़े की दुकान में मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक लड़का है. लेकिन उनकी बड़ी बच्ची शावनी जो बचपन से ही नेत्रहीन है, आँखों से देख नहीं पाती है, लेकिन वालिद ने इसके इलाज के लिए कई एक जगह घूम रहे हैं, परेशान हाल होकर, खस्ता हालत है, गरीबी की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा जो कमाते हैं वही इनके खाने पीने में, इनके गुजारे में सर्फ होता है. लेकिन इस मासूम सी लड़की की जो आँखों के इलाज के लिए वो तमाम लोगों से गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं. हम उबड़ी में इधर बहुत दिखाए सर, क्यों बोले हमारे कितना है, इतना उधर उतना दिखाए
इधर उबली में इसमें उबली में जो सीधे उधर भी दिखाएं, कुछ पैसा नहीं बोल के उतना पे स्टॉप करें, इधर भी दिखाएं, बोला वो बहुत खर्च हो जाएगा, ये बोले हमको इतना पगार है ना, थोड़ा पगार है उसमें घर का खर्चा ये देखना बोल के मजबूरी है, इतना ही ये कर रहे हैं, भटक रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, 3.5 लाख रुपये तक का बोले नहीं उतना तो खर्चा अंदर का वो ये नहीं बढ़ गया, बोला आप कर क्या कर सकते हैं क्या, बोला मेरे कहने तो उतना ये नहीं है, बोला मैंने उसके वास्ते चुप बैठ चुके लोगों से यहाँ कुछ तो मदद वगैरह दवा करने के वास्ते हेल्प ये देखना आपकी सबकी दवा 6332601158 मैं स्वीट की दुकान में जाता हूँ उधर 6000 रुपये पगड़ है सर हो जाता है उतना ही सब ये करना पड़ता है ना सर अकेला ना रफ्ता होना अकेला ही घर घर पे चलते हैं। श्रावणी तो आपने देखा कि श्रावणी जो 8 साल की बच्ची है जो पैदाइशी नेत्रहीन है तो उसके वालिद जो लाचार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्च बताता है लेकिन ये आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनके वालिदा भी यहाँ पर है कमला और इलाज इलांदर मुंदिन नोड़वे कंदर भाग खर्चा आते कंदर 3.5 लाख बोले साय मैट नंग कापार हुड़गी साले वाल मने के तो मोर यार हैंड बन गंड नहीं ना सर फर्स्ट ये ने सर पे श्रावणी नायको उमेश नायको नम कापाड़ी कण बरले ऑपरेशन आगले नम कई काल मुगितन रे तो श्रावणी जो हर बच्चे की तरह खेलना चाहती है हर बच्चे की तरह स्कूल जाना चाहती है हर बच्चे की तरह अपने माँ बाप को देखना चाहती है लेकिन इसके मदद के लिए आप ज़रूर उसका ताउन करें। श्रावणी जो इस खूबसूरत दुनिया को अपनी खूबसूरत नज़रों से देखना चाहती है आपका ताउन रहा तो ये श्रावणी ज़रूर आम बच्चों की तरह देखेगी आम बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। श्रावणी जो आपसे मदद की गुहार लगा रही है। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम बी न्यूज नेशन बीजापुर। थैंक यू बी न्यूज नेशन बी रोशन ये थैंक यू ये थैंक यू हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है फर्नीचर मिलता है हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7000 से चालू है जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मरतबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं।